मेरे ताऊ जी, लेकिन मेरे को क्या पता था इतने में ही एक शार्क हमको खाने को आ जाएगी। ये देखो जरा सीन। तो भाई लोग कैसे हो, तो वेलकम टू बैक बैक वेलकम, और स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू बजरी के गेम रेडियो पे। और आज करेंगे वेलिंग, वेल की सवारी, बेहतरीन मजा आ जाएगा। देखते हैं क्या वेल किसी काम की भी है या फिर नलबाजी है। फिलहाल के देखो यहाँ पे उतरा हूँ और एक स्नाइपर से नॉक दे भी दिया। अब तुम्हारे भाई ने मजा आ गया, रुक जाओ पेटी डाल दे दो। नॉक दे देना एकदम मुंह से, अरे तेजी से चला दे, ये रुकने का काम नहीं, एकदम धैर्य, पेड़ पहलो गोली, आगे बढ़ जाओ। लेकिन आप फिलहाल मात्र 1 किलो रखा, ये क्या है, कुछ भी नहीं होगा इस 1 किल से। लेकिन देखो बंदे असल में आए तो थे, लेकिन मेरे को ना पता नहीं चल रहा है कहाँ ये नल्ले, कहाँ लड़के ठिल गए, मैं समझ नहीं पाया। इतने टाइम में मैं 1 किल करके ये ट्राइडेंट भी निकाल देता हूँ, मैं आग सट के, कोई है ही नहीं, कोई है ही नो, पता नहीं कहाँ पे जाके बैठ रखे और ये खाली हाथ क्यों घुमा रहा है नल्ला गई का। खैर देखो मैं लूट लाट उठा देता हूँ यहाँ से, और ये एक बंदे को पहला AUG से एक पेटी डाल दी, 2 ही किलो रखे अपने, मैं अब क्या करूँ बताओ, बंदे लड़ने को तैयार ही नहीं, बंदे है ही नहीं, पेलू तो किसे पेलू, कोई है ही नो यहाँ पे पेलने के लिए। खैर वॉट आउट, 2 किल करके ऐसी थोड़ा सा लूट दबा रहा था मैं, इतने में ही एक नल्ला और आ जाता है, ज्यादा नहीं, एक अकेला इकलौता नल्ला बंदा, ये देखो लो जी, इसको भी पेल दिया, कहानी खत्म। यानी कि मात्र मात्र 3 किल मिले इस जगह पे। लेकिन देखो बढ़िया ही है, बाहर लड़ाई होगी, बाहर ज्यादा लड़ाई होगी और दबा के लड़ाई होगी, मजा आ जाएगा बाहर पे। फिलहाल के लिए यहाँ पे बस 1 ही किल मिलते हैं मेरे को, लूट वगैरह दांतों से 3 बंदों को पेल के चल दिया, स्कूल पे पहुंचता हूँ। देखो बंदे है तो यहीं कहीं अंदर बैठे हुए है तो सही, लेकिन अभी मैं ऐसे ढूंढता हूँ, ऐसे मेरा कद्दू ना दिखता, वो बैठे अंदर ही है, बैठे हुए अंदर ही है मेरे भाई, टेंशन ना लो। ये देखो इनको, स्प्रे वगैरह देते हैं। मैंने बोला ये छुपे रुस्तमों को छुपे ही रहने दो, मैं रुकूंगा अपार्टमेंट पे, यहां से नॉक दे के जाएंगे, कुछ फायदा नहीं है। वैसे अपार्टमेंट पे और भी बंदे थे, वो भी नहीं दिखते, वो भी गायब। एक को नॉक किया, बेहतरीन। स्प्रे में दिक्कत, स्प्रे में भारी दिक्कत। देखो अभी मैंने बाहर की वीडियो शूट की थी, उससे ना मेरे कंट्रोल भी अलग हो गए अगर तुम वीडियो में देखोगे, और ये सेंसिटिविटी सब चेंज हो जाती है, क्योंकि अपनी आईडी से खिलाता हूँ मैं बाहर वाली वीडियोस पे बंदों को। लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं, मेरे को अब याद भी नहीं साला सेंसिटिविटी थी कितनी, कद्दू कुछ ना पता, एक बंदा नॉक किया था पहले, वो रिवाइव भी हो गया होगा अभी। लेकिन कोई बात नहीं, रस गेम प्ले तो डालना ही पड़ेगा, अटैक गेम प्ले तो करना ही पड़ेगा। ये करने के लिए मैं बढ़ जाता हूँ आगे, और ये रहा एक बंदा, भैया लेटे पड़े इधर पे, रुक जाओ। और इस गन में देखा मैंने, इसकी आवाज ग्लिच होती रहती है, पता नहीं क्यों, गोली चलाओ आवाज रुक सी जाएगी, चलते चलते आवाज गायब सी हो जाएगी इस गन में, पता नहीं क्या है, बहुत बार देख चुका हूं मैं। लेकिन वो सब हटाओ, अभी एक और बंदा पकड़ा, कुछ बंदे नीचे की ओर बैठे, और ये देखो इससे बंदा आदमी एक चैन से यहां पे TPP नहीं ले सकता, दूर से गोली पड़ गई। अरे नल्ले बंदे पता नहीं कहां कहां बैठे हो, कहां बैठे हो पता ही नहीं मेरे को तो। मेरे ताऊ जी खैर उठाओ यहां से, मैं ये देखो पानी फेंकता हूं इधर पे, 2 बंदे निकल आए, ये 2 नल्ले इधर ही कैंपिंग कर रहे हैं, इनको पकड़ने का ठान लिया है। मैं देखो पानी में भी देख लेता हूं, टीपी भी लेके अंदर जा चुके, अब ये अभी हो चुके फिट कमरे के अंदर, कोई दिक्कत ना हो, बाहर आने दो या फिर मैं चला जाऊंगा अंदर। चलो जी पकड़ लिया मेरे ताऊ जी, पकड़ लिया दोनों नल्लों को, पकड़ लिया बेहतरीन तरीके से पकड़ लिया। और ये रहा एक और, इसको भी पकड़ लेता हूं मैं। और देखो गाइस, हो सकता है तुम्हें पंखे की आवाज सुनाई दे रही हो, तो असल में सीन ऐसा, देखो AC हो चुका है बंद, क्योंकि लाइट नल की पिल्ली लाइट आ नहीं रही है, बहुत टाइम से नहीं आ रही है, पसीना पसीना, मैं भीग चुका हूं, मैं गीला हो चुका हूं। मैं फोटो डाल दूंगा ना, तुम बोलोगे भैया कहां से तैर के आ रहे हो, इतना गीलापन कैसे, इतने वेट कैसे हो आप। लेकिन हो सकता है तुम्हें पंखे की आवाज सुन लो, सालो मैं थक गया, मैं मर गया, पंखे पंखे में बैठे बैठे मर गया हूं, मैं गीला हो चुका हूं, पूरी तरह से भीग चुका हूँ, इतना बदन पूरा गीला हो चुका है, गीला बदन तन बदन ऐसी तैसी, गीले बदन की मेरे को सुखा दे दो अपने बदन को ऐसी तैसी तुम्हारी। खैर वाटाओ, ये रहा बंदा, गाड़ी लेके आ रहे बंदे, बंदे ऊपर बैठे पड़े, पता नहीं कहाँ से आ रखे ये, तो नल्ला गाड़ी लेके चला गया, इसको छोड़ो। ये जो बंदे ऊपर बैठे, इनका कुछ करना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा लपेटा कैसे दिया जाए, ये समझ नहीं रहे, ये ढिटाऊ बंदी कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, गिर रहे हैं, वहीं से गोली गिरा रहे, नेट गिरा रहे, ऐसी तैसी उनकी। और ये देखो गाड़ी भी आ गई, अब तो
लो जी पूरी की पूरी नई टीम आ गई। मैं वो तैयार लड़ने के लिए, कहीं तुम्हें लगे लड़ने को तैयार नहीं। पूरी एमजी खाली, M4 खाली होने वाली थी। दो बंदे लपेटे, तो में से एक की पेटी डाली। देखो बंदे चार आए थे जहां तक मुझे पता है, पूरे चार। मेरी किल चोरी हो गई, मजाक से हट गए। ये देखो दो किल मेरे को मिलती है, तीसरा बंदा पता नहीं कहां गया, किल नहीं मिली। और चौथा बंदा भी पता नहीं कहां गया, उसकी किल तो वो तो दिखा भी नहीं मेरे को। ये जो ऊपर बैठे इन्होंने किल चोरी कर ली, इनकी भैंस का लकड़ा ऐसे कैसे मेरे होते हुए किल चोरी कर रहा है। ऐसी तैसी इसकी देखी जाएगी, इसको पेला देना पड़ेगा। इनको पेलने के लिए छत पे आता हूँ वापस से। वो देखो कोने पे बैठे स्प्रे देता है, पता नहीं कौन सी बंदूक है। मैं भी देता हूँ स्प्रे, ये कर लिया नॉक, लेकिन मेरा टीममेट भी पिट जाता है। P90 थी भाई पे, बंदे ने P90 चलाया भैया, तो बिल्कुल सप्रेस चल रही, आवाज भी नहीं आ रही है। P90 ऐसी तैसी इसकी P90 की। नीचे से एक छोटी स्टेप और आते, शायद से बॉट है। खैर वाट आओ, मैं जाता हूँ इससे लड़ने के लिए। इधर साइड पे आ रहे P90 कद्दू पे रखते हैं, कद्दू पे रखा इसका P90। मैं रेड नहीं फेंकता क्योंकि अभी देखो रिवाइव करते हुए दिख रहा है, मैंने बोला नॉक करके फेंकेंगे। ये देखो आप, अब देखो एक बंदा नॉक करके दूसरे वाले को पूरा स्प्रे दे दिया था, हेडशॉट भी फेल गया था, सब कुछ कर दिया था। बस दिक्कत यहाँ पे आ गई मेरे ताऊ जी, P90 वो जल्दी फेल गया, थोड़ा सा P90 जल्दी फेल गया, थोड़ी दिक्कत आ गई। मैं यहाँ से हट जाता हूँ ताकि वो नेट ना करे, देख रहे हो IQ प्ले है। लेकिन फिर मैं सोचता अरे कद्दू लेने गया, नेट रुक गया। एक को पकड़ लिया, बेहतरीन। नीचे बॉट है, हटाओ बॉट की भैंस की लकड़ी। दूसरे को पेलने के लिए मैं ये करता हूँ नेट की तैयारी। ये ले छोटू नेट खा, मौज बनाओ। ये गया P90 वाला, बहुत P90 बाजी की इनने, बहुत चलाया अपना P90 अपने जमाने में, ऐसी तैसी की P90 की। नीचे एक और बंदा, पता नहीं कितने फैले पड़े, ये पूरे चार बंदे थे ये भी असल में। इसकी मैंने डाल दी पूरी पेटी, एक बंदा इसी के अंदर बैठा है स्विमिंग पूल के अंदर। दो ऊपर दो नीचे, पता नहीं क्या ही अजीब तरीके की कैंपिंग चल रही है मेरे ताऊ जी, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हो चुके हैं 15 किल मेरे हो चुके हैं, यहीं पे होल्ड करता हूं। देख रहे हो क्या बाल बाल बचा, बड़ा छट के बाल बाल बच जाता हूं मैं। लेकिन हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे भी हील करके अभी देखो उसके छत पे चला जाऊंगा, बहुत हो गया। मेरे को बताया वो भागने की तैयारी में होगा, अभी जो ना चुका है छत पे जाने के लिए। पहले मैं ये वेस्ट उठाता हूँ, मेरे टीममेट ने देखो उसको पानी में पकड़ लिया, कोई बात नहीं वैश उठाई, ये डाला पानी, ऐसी तैसी इसकी, सीधा रस करता हूँ। एक बॉट को पेलता हूँ इस छत पे पहुँच के, और ये बंदा देखो भागने की कोशिश में, भाग गया, ज्यादा दूर नहीं भाग पाए। लेकिन मरा चढ़ के ये गिन के 3.5 कदम दूर भागता है ये गिन के, और मैं ये सेटिंग ही चेंज कर रहा था। अरे बहुत दिक्कत हो गई थी यार, मेरी सेटिंग ही पूरी गड़बड़ हो गई थी, बड़ी मुश्किल से मैंने मिलाई है ये। मरा चढ़ के खैर वट आओ, यहाँ पे मैंने देखा ये क्या है, पानी का गोला, इस पे क्या होता है मेरे ताऊ जी। लेकिन मेरे को क्या पता था इतने में ही एक शार्क हमको खाने को आ जाएगी। ये देखो जरा सीन, अरे इसने मुंह पे ही ले लिया मेरे को पूरा मुंह पे ही ले लिया ऐसी तैसी। यहाँ पे ये वेल की सवारी चल हो चुकी है जोन पे जाने के लिए। ठीक है चलो बढ़िया ही है, वैसे उड़ के चला जाता कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कोई नहीं, अब इसमें दिक्कत ये आ जाती है, यहाँ पे जब मैं एग्जिट दबाता हूँ ना इसमें रुक जाओ। पहले तो ऐसे ही था, पता नहीं क्या ये कैमरा ऐसे चल रहा था, लेकिन उसके बाद अपना कैरेक्टर भी इधर हिलने लग गया था ये देखो। लेकिन अब मैं ना एग्जिट नहीं कर पा रहा हूँ, जहाँ पे एग्जिट है वहाँ पे जंप का बटन भी है ये देखो। अब कार में ऐसा होता है कार पे जंप का ऑप्शन तो नहीं आता तो एग्जिट दब जाता है, लेकिन यहाँ पे जंप भी कर सकता हूँ मैं इसके ऊपर। तो मेरे को फिर से नल के पिल्लों की तरह जाके एग्जिट हटाना पड़ता है जंप वाली जगह से, और फिर कूदना पड़ता है। अरे कसम से ये बजी वाली थोड़ा सोच के बनाओ यार, ओवरलैप हो गई थी चीज़ें, कुछ ना हो पाया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं पहुँचता हूँ यहाँ पे, थोड़े से किल यहाँ लूँगा। नीचे बंदा बैठा पड़ा है, मैं ये पानी बाजी करता हूँ, और देखो उड़ के यहाँ पे आ गया। बंदे बैठे तो अंदर, दो के फुट स्टेप आ तो गए थे मुझे, देखना पड़ेगा लेकिन कहाँ बैठे हैं। फिलहाल कुछ नहीं दिखा पता है, बस बंदे अंदर कहाँ वो नहीं पता मेरे ताऊ जी। लेकिन आज ये देखो एक, अरे तैर रहा है छोटू, मजे कर रहा है, तैर गया स्विमिंग पूल में, ना के नमकीन होता है ये। राइट एक ये डाल दी पेटी, एक और इधर, ये शायद M4 बॉट चला रहा है। ये देखो इसको कैंपिंग तैयारी, कैंपिंग की इनकी भैंस की लकड़ी।
ये नल्ले बॉट को भी पेलता हूँ मैं, इसने भी बहुत अलग ही परेशान किया। 21 किल हो गए, ये वो मैच है जिसमें शुरुआत में मात्र 3 किल निकले थे, 21 किल हो गए जी। मजा आ गया, मजाक सेट के लगा नहीं था, थोड़ा ऐसा पेल फूल दे पाएंगे, मजा आ गया, बढ़िया किल निकाल लिए। लेकिन रहा है किस किल करके ऐसी मैं भटक रहा होता हूँ, अभी एक बंदा दिखा ओपन में, इसको ओपन में ही दबोच लो ऐसा सोचा था, मेरे को दबोच दिया किसी ने पीछे से गोली चल गई थी, पेल चुका था कोई, बाल बाल बचाओ, बहुत कम एचपी में, इसकी पेटी डाल दी मेरे टीममेट ने, कार चढ़ा दी उस पर। मैं पहले देखो इस नाले पे रुकता हूँ और हील करता हूँ, भैया कोई भरोसा नहीं आगे जाके क्या हो जाए, नाले पे रुको आराम से, हील उल करो उसके बाद चलो। ये बंदा ये भूसे के ढेर के पीछे होता है, मैं इतनी गोली बर्बाद करता हूँ, मेरे से भैया पूछो मत कि कितनी गोली बर्बाद हुई, बहुत गोली, अति से ज़्यादा गोली यहाँ बर्बाद होती है, बंदा मर के ना देता, कितनी लगती है गोली लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि नॉक हो जाए। मैं हार गया था इस टाइम तक, मैं कूद गया और पता नहीं ये कैसे ठिल जाता है, एक आध गोली लग गई इसके किनारे पे, मजा आ गया, हार मान चुका था मैं, मैंने बोला अरे भाड़ में जाए कूद जाओ देखी जाएगी, मर गया तो मर गया, परेशान कर दिया था। अब देखो उस शैक पे भी बंदे बैठे बड़े लकड़ी वाले, इस शैक पे एक बंदा मेरे को दिख चुका है, मैंने बोला गड्डी रोकनी तो पड़ेगी मेरे ताऊ जी, गड्डी रोकनी तो पड़ेगी, गड्डी रोकता हूँ इधर पे ही, अंदर ही बैठा पड़ा ही है ये, देखो हाथ पाँव दिख रहा है इसका, वो तो ठीक है, कोई और आ गया इतने में ही, बाल बाल बचे, अच्छा हुआ एस चला रहा था वो, और सामने वाले को भी पेल दिया, दोनों की टीम के थे नल्ले, एक यहाँ बैठा है एक सैक पे, सारी क्या क्या करते ये। लेकिन अब मजा आ गया, बढ़िया था, 25 किल निकाल दिए 3 किल वाले मैच में, मजा आ गया, सोचो अगर शुरुआत में ज्यादा किल मिलते क्या ही मजा आ जाता, क्या ही मजा आ जाता, क्या पता 40 किल हो जाते, क्या पता। खैर वाटा मैं हील करता हूँ, एक बंदा और दिखता है उसको भी दबोचे में ले लिया बैठे बैठे, और ये डाल दी पेटी उसकी भी, बढ़िया है सीन, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो हम लोग पे, मैं ये उठा ले तो ये स्नाइपर थोड़ी सी स्नाइपिंग करेंगे, मैं नहीं आता मैच में, अगर स्नाइपिंग ना हो मजा नहीं आता, तो मुझे स्नाइपर की सख्त जरूरत जिंदगी में। खैर वाटा यहाँ से स्नाइपर लेके निकल लेता हूँ मैं बंदों की तलाश में, अभी भी कितने 4 बंदे बाकी है गिन चुन के, ये देखो गाड़ी खत्म हो गई, तेल खत्म हो गया इसका, और एक बंदा सामने है, अति डैमेज दे चुका हूँ, एक एचपी बाकी है, मैंने बोला रुको एक गोली तो मारनी है, मार के ख़त्म करता हूँ मामला, निपटाता हूँ, 27 किल, बढ़िया मज़ा आ गया, 28 3 बंदे, तीनों किल ले लूँ 30 किल पहुँच जाऊँगा, बेहतरीन मज़ा आ जाएगा, बस ये आपस में ठिल जाए और कुछ नहीं। और अब आ रही है नली लाइट, ऐसी तैसी लाइट, तेरे भैंस का लग रहा है यहाँ पे, पसीना पसीना हो चुका हूँ मैं, गीला हो चुका हूँ, और उसके बाद ये लाइट शक्ल दिखा रहे, अरे भाड़ में जाए लाइट, अब चाहिए रही, अब मैं पंखे पे ही बनाऊंगा वीडियो, तुम पंखे की आवाज़ सुनो ऐसी तैसी तुम्हारी, अति डैमेज दिया, बढ़िया स्प्रे था, डैमेज बहुत दिया है। खैर देखो अभी ये दो बंदे वहाँ पर, मेरा टीममेट बोलता है, मैंने बोला डरने की कोई बात नहीं मित्र, इसमें डरने की कोई दिक्कत नहीं, मेरे ताऊ के बेटे, यहाँ जाता हूँ ऊपर, यहाँ जाता हूँ नीचे, बैंग स्पीड देख रहे हो, दिया हेडशॉट आते ही, एक और शॉट दिया नॉक, एक और बंदा इधर, बच गया बाल बाल, फिर से बच गया, ये गेम ग्लिच है पक्का, और ये मेरे टीममेट के नॉक दे देता है, हमारे भाई नॉक हो गए, टेंशन ना लो तुम्हारा भाई तो है, अभी छोटू गलत बंदे पे पिक कर दिया, मेरे टीममेट को पहला था, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन उसके बाद पिक करना, ना ना ना, ये नो 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 नो, ये ज्यादा हो गया, दो बार पीक ज्यादा होगा, थोड़ी सी इज्जत बना के रखो। खैर वाड़ा अभी और बंदों को लपेटा देना है, ट्राइडेंट बुला देता हूँ, ये ले तेरी भैंस का लकड़ा, लेकिन ज्यादा काम आएगा नहीं है, मैं तुम्हें पहले बता दूंगा, कहीं तुम्हें लग रहा हो कि मैं ट्राइडेंट लेके निपटारा कर दूंगा, कद्दू कर दूंगा, ना नहीं ना, बहुत दिक्कत होती है, आगे देखो बंदे बैठे पड़े हैं, ये ट्राइडेंट अटक गया, मैं चल रहा हूँ, एक को लेता हूँ लपेटे में, दूसरा पेड़ के पीछे, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये पकड़ ही नहीं रहा उसे, ट्राइडेंट पकड़ ही नहीं रहा, पेड़ के पीछे चला जाता है साला, किसी काम का नहीं है, नल्ला पट्टा ट्राइडेंट, ओपन में यूज नहीं कर सकते, घर के अंदर यूज, क्या करूँ, कहाँ यूज करूँ इसको, हाँ किसी काम का नहीं लग रहा आजकल। जो बंदे को उठाया था वो भी जिंदा बाकी है, और बताओ वो उसको पता नहीं कहाँ फेंक दिया इसने ट्राइडेंट ने, मुझे पता ही नहीं कहाँ है, और ये देखो अरे चला कि लो जी, तो हाँ इसकी पेटी मैं डाल देता हूँ,
ट्राइडेंट ट्रूडेंट किसी काम का नहीं मेरे ताऊ जी, बचता है एक आखिरी बंदा, मैं जाता हूँ पानी गिरी करके फटाक से इस घर पे घुसता हूँ। ये इसी घर के नीचे होता है, मेरे टीममेट ने देख लिया था, इसी के अंदर कहीं बैठा होता है। मैंने बोला रुको सबर करो, इसको पानी का चटकारा देना पड़ेगा, आखिरी बंदा है ये, इसको पानी का चटकारा बगैर दिए मैं नहीं आएगा। स्नाइपर स्नाइपर बहुत चला दी, आ जाओ एक को स्नाइपर से पहला इनके टीममेट को, ये ले चापड़ ऐसी तैसी इसकी। और एक बंदे को हमने पहला ट्राइडेंट से वैसे मारा नहीं, लेकिन मैं यही कह रहा था कि सबको अलग से पहला, लेकिन फिर याद आता है ट्राइडेंट से तो पेल ही ना पाया मैं किसी को, लेकिन अब पानी पे चटकारा देने में मजा आ गया। वो भी चला रहा था झापड़, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, अपन ने पहल दिया, कोई दिक्कत ना। खैर जरूरत था मेरे गाइस, 30 किलेट से गुड्डू, पंखे की आवाज़ के लिए सॉरी, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़, गर्मी से मरता क्या ना करता, ये बात याद रखना। खैर क्या मिलता है, बाय बाय।